लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान लाहौरियां दी जान लाहौरियां दी जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। बहुत सर्दी है आज लाहौर में। चलें आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फनफुल, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आज का प्रोग्राम। आज जो मैं आपसे सवाल करूंगी वो बहुत मज़े के होंगे। आई नो लोग जवाब नहीं दे पाते, मगर कोई बात नहीं, मैं एंड में जवाब दूंगी दो का, ठीक है। चलें कोशिश करूंगी कि लोग जवाब दें। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जानेंगे, लोगों से शेर व शायरी सुनेंगे, गाने सुनेंगे, बच्चों से पोइम सुनेंगे और माशाल्लाह नात सुनेंगे, तलावत सुनेंगे, खैर से बहुत मज़ा करेंगे। तो आए लोगों से छेड़खानियाँ करते हैं, उनसे नोक झोंक करते हैं। और हमेशा की तरह मैं मेंशन करूँगी आपको, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आप लोग प्रोग्राम में कहलवाना चाहें, करना चाहें, तो आप जो है वो हमारे सोशल नेटवर्क के जो पेज हैं, लाहौर न्यूज़ का पेज है, भूजो तो जीतो का ऑफिशियल पेज है, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलीना लोधी हारून, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, आई एम अलीना हारून। इसके अलावा आप भूजो तो जीतो को फेसबुक पे जाके आप लिखेंगे भूजो तो जीतो, वो आ जाएगा, वहाँ पे आप कह सकते हैं है। लेकिन अगर आपको क्विक जवाब चाहिए तो वो आपको मेरे पर्सनल पेज पे ही मिलेगा, आई एम अलीना हारून पे। तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमना। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से? हाँ, ये यूके से ली थी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। चले जी, मैं आपसे एक अच्छा सा सवाल करती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डेज के नाम टी से शुरू होता है, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे। आप मुझे बताएं इसके अलावा दो दिन टी से शुरू होते हैं, वो कौन से हैं? टुमारो एंड टुडे। वेरी नाइस, क्लैपिंग करें अपने लिए। चलें क्या सुनाएंगे? मुझे एक अच्छी सी रेसिपी बताएं। आप हर दफ़ा गाना गाती हैं, आपको कुछ तो पकाना आता होगा। हाँ मुझे बनाना आता है। क्या चाइनीज़? हाँ चाइनीज़ मैं बनाती हूँ। ओके मैं आपको बताती हूँ। आज जो है ना पास्ता की मेरी रेसिपी है। आपने टमाटोज़ लेने, ठीक है, टमाटोज़ को जो है बॉईल करना है। जब टमाटोज़ आपके अच्छे से बॉईल हो जाएँ तो उनको मैश कर देना है, ठीक है। और जो है आपने पास्ता बॉईल करना है, पास्ता बॉईल करके उस टमाटोज़ में आपने डालना है। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए, राइट, तो ड्राई होने के बाद आपने उसमें सोया सॉस, चिली सॉस और बारबेक्यू सॉस जो है वो ऐड करनी है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ। गार्निश करें पार्सले के साथ। दैट्स इट। हमें आपकी लाइक्स क्या है? खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? मुझे जो है खाने में मेरी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं और कीमे के समोसे, पर वो बनाती सिर्फ रमज़ान में है। जो है ना मैं सारा साल रमज़ान का वेट करती हूँ कि शायद वो क्या इतनी सुस्त हैं कि रमज़ान में खाना बनाती है पूरा साल। उन्हें क्या मसला है? वो पूरा साल जो है बनाती हैं, पर सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं। रमज़ान में जो है ना उनको प्यार आ जाता है मुझमें तो बनाती हैं। रमज़ान का वेट करती है? हाँ मैं रमज़ान का वेट करती हूँ। ओह दैट्स सो स्वीट। चल चाह रही है ना कि उनके, मेरा दिल चाहता है कि वो ना ही किचन में जाएँ, थोड़ा कम यूज़ करें। चलें ये लें लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच जी। हमना से बात की, बड़ा मज़ा आया। और इनको पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है अपनी दोस्त के हाथ के समोसे खाने के लिए, क्योंकि वो साल में एक दफ़ा ही बनाती हैं। वही बड़ी मैं कहूँगी सुस्त हैं वो। चले किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? आयशा। मोहम्मद आदिल। क्या करते हो बेटा? 9th क्लास में। आप क्या करते हो? मैं घर में होती हूँ। चले जी, कितने बच्चे आपके? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा माशाल्लाह। ओके, आपका भाई? जी मेरा भतीजा है। चले जी, शक्लें बड़ी मिली थी इसलिए मुझे लगा। चले जी सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी। मुझे बताएं वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? पीछे रहने वाला जीत जाता है? गोल। क्या सुनाएंगे? पोइट्री। आप? पोइट्री। कुछ बुगस दी रीत इच नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत इच नहीं मिलता, खलके खुदा नु प्यार ते कर रब कल्ला मसीद इच नहीं मिलता। कलम की जो जगह थी वो वही है, पर उसका नाम तकबा की नहीं है। कलम की नोक पर नुक्ता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। वो जिस बचपन न थोड़ा और जीना था, वो जिसने माँ तुम्हारा ख्वाब छीना था, मुझे माउस से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी, बहुत ही अच्छी जो है वो इन्होंने सुनाई, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और हैज़ अ वेरी सैड स्टोरी बिहाइंड। जो किसी और से बात करते हैं। सामने का वालेकुम अस्सलाम, का नाम सादिया, क्या करती हैं? हाउस वाइफ। चलिए जी, कितना टाइम हो गया शादी को? 16 ईयर्स। कितने बच्चे? 4। माशाल्लाह। सबसे लाडला कौन? मेरा बेटा अली। वो क्यों लाडला? वो काफ़ी वेल मैनर्ड। अच्छा, वेरी नाइस। चलिए जी, लाहौर में बड़ी सर्दी होगी जी, अचानक ही हुई है ना? जी जी। चलिए जी, नट्स खाती हैं, ड्राई फ्रूट्स? क्या कौन सा ड्राई फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद है? बादाम। बादाम पसंद है, कोसा नहीं पसंद? पिस्ता। ओके, चले जी, मुझे बताएं इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके चेहरे पे शर्मिंदगी के तासुरात, एक्सप्रेशंस नज़र आते हैं? मंकी, डोंकी। आप सुनाएंगे? ब्यूटी टिप बताऊँगी कि सर्दियों में ना ग्लिसरीन और अर्के गुलाब और लेमन जूस जो है ना, उसको मिला के रात में लगाएं तो ड्राईनेस नहीं होती। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम जी। इन्होंने आपको एक अच्छी टिप दी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर अमल करिएगा। किसी और से बात करिएगा। सामने का वालेकुम अस्सलाम, नाम आपका? मोहम्मद अफजा। क्या करते हो? पढ़ाई करता हूं, बीकॉम। अच्छा, गुड। क्या बनना है बड़े होके? इससे ज़्यादा बड़े होके? पोइट्री का शौक है बहुत ज़्यादा, और लिखता भी खुद से। लिखी है? मुझे सारी सुनानी है, लेकिन याद नहीं है। लिखी हुई तो याद होगा, एक याद है। चलो, पहले मैं सवाल करती हूँ, मुझे बताओ कि इंग्लिश आती है तुम्हें? इतनी लूज है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ही। उर्दू आती है? उर्दू अच्छी है। चलो बताओ, उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? बे। अलिफ के बाद सोचो ना। अलिफ अली मद्दा। क्या सुनाओगे? उल्फत की बात, टूटे हुए दिलों के सामने उल्फत की बात मत छेड़, जिक्र मकान अच्छा नहीं किसी भी घर के सामने। इसका मतलब क्या? मतलब ये है कि अच्छी बात, जो टूटे हुए दिल हैं उनके सामने, किसी की टूटे हुए दिलों के सामने ऐसे लोग हैं जो जो नाकाम हो चुके हैं, उनके सामने अच्छी बातें ना सोचें। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए जी। इन्होंने समथिंग दुखी दुखी सा शेर सुनाया, खुद का लिखा हुआ है, पता नहीं भाई साहब को क्या दुख है। किसी और से बात करते हैं। सामने का वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं मोना इकबाल। क्या करते हो? मैं हाउस वाइफ। चले, मुझे बताएं दुनिया में लोग सबसे जल्द फैसले कब लेते हैं? क्विक डिसीजंस लोग कब लेते हैं? जब वो सुसाइड करते हैं। नहीं, वो तो एक ही डिसीजन लेना होता है, उसके बाद सुसाइड हो जाती है। डिसीजंस लेते हैं कब? आई थिंक जब वो उन्होंने खाना खाना होता है, या इस किस्म के। क्या सुनाएंगे? मैं शेर सुनाऊँ? आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। इसका शेर है ये, मुनीर न्याजी का। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए वेलकम जी। इन्होंने जो है एक अच्छा सा शेर सुनाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? शाहिद। आपका नाम? मेरा नाम है ज़ैनब। आपका नाम? फातिमा। आमना। तीनों बच्चे आपके? कौन सी क्लास में हो? 4, 6। चले जी, मुझे बताएं वो कौन सा खेल है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? हाइड एंड सीक तो नहीं हो सकता। क्या शेयर करेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा। मेरी तरफ से ये मैसेज है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाया जाए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को हासिल किया था, आज वो मकसद हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान में हर बंदा अपना किरदार अदा करे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, अच्छे लोगों को सामने लेके आएँ ताकि पाकिस्तान से जो करप्शन का मुकम्मल खात्मा हो सके। जब तक हम बार बार इन्हीं करप्ट लोगों को चुनते रहेंगे तो हमारा हाल बुरा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। सरा सुनाएगी, जोक सुनाएगी आमना। अच्छा, एक बच्चा होता है, उसके फादर होते हैं उसके साथ, तो वो दोनों जा रहे होते हैं रोड पे और एक बच्चे के हाथ से कॉइन नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि वो कहता है बाबा कॉइन गिर गया। तो उसके बाबा कहते हैं कि गिरी चीज़ नहीं उठाते। तो जब आगे जाते हैं तो वो उसके फादर जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो कहता, बाबा उसके हाथ कहते हैं कि मेरा मुझे उठा दो। तो उसका बच्चा जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि बेटा बाबा आपने कहा था कि गिरी चीज़ नहीं उठाते। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू जी। बड़ा मज़ा आया, इनसे बात की, अच्छी सी फैमिली थी, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आयशा। मोहम्मद मुराद। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या करते हो? फ्री। क्या रिश्ता आप दोनों का? कज़न। चलो मुझे बताओ, ऐसे वो कौन से दो सवाल हैं जिसका आप कभी जवाब नहीं दे सकते? सो रहे हो क्या? है ना, सो रहे हो क्या? चलो, और दूसरा? नहीं। सॉरी, चलो एक का तो ठीक दे दी। तालियां बजाओ इनके लिए, तालियां बजाओ इनके लिए। तो इन्हीं के लिए कह रही हूँ। किसी मैं तुमने कब जवाब दिया? मैंने दिया। तुमने नहीं दिया? चलो क्या सुनाओगे? कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजाते, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे। तू हर घड़ी हर वक्त मेरे साथ रहा है, हाँ ये जिस्म कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी। एक तो फजूल में जो है लोग जवाब नहीं देते, उसके मतलब ओवर होते हैं कि तालियां बजाओ। भाई तुमने सही जवाब दिए, जिस लड़की ने सही जवाब दिया उसका क्रेडिट होना चाहिए। किसी और का क्रेडिट खाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी और से बात करें। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान जी। क्या करते हैं आप? मैं जी जिम्मेदार हूँ। ओके, मुझे बताएं इंसान के अलावा वो कौन सा जानदार है जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन नज़र आते हैं? बंदर। पांडा। सुनाएंगे गाना। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुरा, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुरा, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हो बोले साथिया। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। टाइम हो गया है एक ब्रेक का, 16 सेकंड ब्रेक।